हाँ, तो अब बढ़ते हैं आगे सर्कल टॉपिक में। कुछ और पॉइंट्स टेंजेंट से रिलेटेड, तो अब दो सर्कल्स पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट तो लिखेंगे टू सर्कल्स एंड देयर कॉमन टेंजेंट्स। टू सर्कल्स एंड देयर कॉमन टेंजेंट्स। फर्स्ट केस इसमें, व्हेन टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, मीन्स वन सर्कल इज आउटसाइड अदर एंड दे नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर। टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, दोनों सर्कल्स अलग अलग हैं। इस तरह से एक ये सर्कल ले लिया, दूसरा ये सर्कल, ये दो सर्कल्स हैं। इनका सेंट्रल लेट अस अज्यूम सी वन है और सी टू है। तो यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी वन और सी टू के बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेडियस है आर वन और एक की आर टू, इन दोनों की रेडियस के सम से भी ज्यादा है। आर वन प्लस आर टू से अगर ज्यादा हो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, तो सर्कल्स एक दूसरे को न टच करेंगे न ही इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह से जैसे डायग्राम बताया वैसा होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए टेंजेंट्स कैसे बनेगी। कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट ये आएगी, दूसरी कॉमन टेंजेंट ये होगी, होगी क्या? ऐसे ही दो और कॉमन टेंजेंट आएंगे। देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं, एंड द टू, एक इस तरीके से मिल सकती है और एक इस तरीके से यहाँ पे मिल सकती है कॉमन टेंजेंट। ज्यादा ये आ गया, चलो इसको इरेज करके फिर से बना देते हैं। ये था दूसरा सर्कल, ऐसे टू कॉमन टेंजेंट्स और आ रहे हैं। तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं इन दोनों सर्कल पे, फोर कॉमन टेंजेंट्स हैं। ठीक है, विजुअल तो है ना, ये देखिए जो रेड से बनाया है वो आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे इस तरह के सर्कल्स, दो सर्कल्स हो तो हमें मिलेंगी टोटल फोर कॉमन टेंजेंट्स। फोर कॉमन टेंजेंट्स, इसमें से इन दोनों कॉमन टेंजेंट्स को हम बोलते हैं जो बाहर हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो अंदर है यहां पर इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स और इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जब दो सर्कल्स एक दूसरे से के सेपरेट हैं, कहीं भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के आउटसाइड है जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसमें फोर कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी और टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, इसमें यहाँ लिखे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसको एब्रिविएशन में डीसीटी भी लिख सकते हैं, एंड टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। टीसीटी मीन्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर आपको देख करके बताना हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी है, इस सर्कल में तो चलिए बता दिया आपको इन दो सर्कल में, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है? किसी कॉमन टेंजेंट के बारे में आप कैसे बताएंगे कि वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कोई बताना चाहता है? सिद्धांत बताओगे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है?
ट्रांसवर्स की लेंथ कम होगी उन दोनों के सेंटर्स के लेंथ से। अभी लेंथ तो निकाली ही नहीं हमने, हम तो बस देख रहे हैं कि सर्कल के टेंजेंट बन रही है खुद से। तो देखिए, इफ सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स, इफ सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट, सेम साइड ऑफ द tangent, that is common tangent, same side of the common tangent, then it will be direct common tangent. तो कैसे पता चलेगा देख करके कि अगर दोनों centers एक ही तरफ हैं, जैसे देखिए C1 C2 इस line के AB है मान लीजिए direct common tangent, इस AB के दोनों ही सेंटर C1 C2 एक ही तरफ हैं, दोनों ही नीचे की तरफ हैं, या फिर या देखिए CD अगर मैं लिखता हूँ, दोनों ये क्या हैं C1 C2 एक ही तरफ हैं, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में बात करेंगे तो मान लीजिए ये PQ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये PQ, तो यहाँ C1 एक तरफ है तो C2 उसके दूसरी तरफ है PQ के, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देख के कैसे पता चलेगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसा कब होगा, इफ सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट में क्या है सेम साइड पर, और इसमें ट्रांसवर्स में क्या है अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, देन इट विल बी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जो कॉमन टेंजेंट होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। नोट कर लें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देख करके आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि उस टेंजेंट के दोनों सर्कल सेंटर्स एक ही तरफ दिख रहे हैं, या सर्कल से आप देख लो पूरे दोनों के दोनों सर्कल एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं तो सेंटर भी उसी तरफ होंगे, वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोल सकते हैं, और दोनों सर्कल्स अपोजिट साइड में है तो सेंटर्स भी अपोजिट साइड में ही मिलेंगे आपको, वो उस केस में क्या है वो इंटरनल कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तन्मय लेंथ के बारे में बोल रहा था कि लेंथ कम ज्यादा, लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, लेंथ का फॉर्मूला पता है इसका? नो सर, उसका वो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई कर R2 - R1 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस। चलो देख लेते हैं लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, पहले मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये एक मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना ली, इसकी लेंथ निकालने मुझे मान लीजिए ये लेंथ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट से भी मैंने लिख दिया LEX है, ये लेंथ है AB, अब इसका सेंटर है यहां C1 और इसका सेंटर है यहां C2, इसकी रेडियस थी R1 और इसकी रेडियस क्या है R2,
लेट अस अज्यूम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बी डी. तो हमें यहां डिस्टेंस सेंटर्स के बीच में दी होनी चाहिए, रेडियस दी होनी चाहिए दोनों सर्कल की. तो हम टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की. देखिए कैसे, क्या करना है आपको, इस ए से ध्यान समझिए, बाद में नोट करिएगा, ए से सी वन सी टू के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी. क्या करना है, ए से सी वन सी टू के पैरेलल लाइन ड्रा करनी. ये दोनों लाइन पहले से ही पैरेलल थी, सी वन सी ए और सी टू ए. क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल थे ना, 90-90 यहां पर. तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन गया. तो ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ भी डी होगी. या पैरेललोग्राम बन गया तो ये लेंथ डी होगी और ये आर वन होगा तो ये लेंथ कितनी होगी, आर टू माइनस आर वन. अच्छा, आगे मान लीजिए ये पॉइंट है पी. अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो एल ई एक्स स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर वन स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, डी है. ये है 90, ये एंगल बी वाला 90, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वो 90 होता है. या डायग्राम और थोड़ा आप ऐसे बना लो, 90 बनाते हुए इस तरह से डायग्राम और बेटर बना सकते हैं. तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट यहां से क्या बन जाएगा, इसको ले जाइए आरएचएस में और स्क्वायर रूट ले लीजिए, मतलब डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन होल स्क्वायर. ये है फॉर्मूला लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का. लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला है. नोट करके नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दैट इज इंटरनल कॉमन टेंजेंट. नोट करिए जल्दी से और फिर देखें टीसीटी, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. देखते हैं इसका डायग्राम. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए लेट अस अज्यूम ये सी वन ले लिया मैंने, ये सी टू इसका सेंटर. अब यहां पर एक टेंजेंट है जो कि है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. लेट अस अज्यूम ये लें, ये है पी क्यू. ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसको इससे मैं ज्वाइन करता हूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब भी टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस पे ये एंगल होता है 90. ऐसे ये एंगल क्या है 90. बाकी वही सी वन सी टू जो डिस्टेंस है वो कितनी है डी, ये आर वन ये आर टू. यहाँ भी सी वन सी टू है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डी होनी चाहिए, डी है. रेडियस दोनों सर्कल की डी होनी चाहिए, तो वो दिया. अब देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करें. देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, C1 C2 के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है Q से. क्या करिए, Q से C1 C2 के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी और इस PC1 को आगे एक्सटेंड करिए. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख रहे हैं क्या है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है. ये लेंथ डी होगी, ये लेंथ कितनी होगी बताइए, आर टू होगी. ठीक है,
इसको मैं एम कर देता हूँ, तो ये जो ट्रायंगल पी एम क्यू दिख रहा है इसमें ये हो गया आर वन, ये आर टू और ये पी क्यू, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन रहा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, तो लेंथ पाइथागोरस के लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट स्क्वायर प्लस आर वन प्लस आर टू स्क्वायर मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर बराबर एम क्यू स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर होगा। मीन्स लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला आ गया, रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। देखिए एक्सटर्नल में क्या था, आर टू आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस आर वन और इसमें आर वन प्लस आर टू, तो बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, सब्ट्रैक्ट इसमें ज्यादा हो रहा है किसमें, इंटरनल में। तो क्लियरली देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। नोट कर रहे हैं, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट नोट कर लीजिए। ये हमने पढ़ा जब सर्कल्स, दो सर्कल्स सेपरेट होंगे, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है सम ऑफ रेडियस से ज्यादा होगी, तो हमें कितने टेंजेंट्स मिलेंगे, फोर कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे जिसमें टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी और टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। उसके बाद हम और डिटेल में पढ़ने लग गए इसको कि लेंथ क्या होगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सेकेंड केस, फर्स्ट केस था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियस से ज्यादा हो। अब सेकेंड केस हम लोग पढ़ रहे हैं जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। लिखेंगे when circles touch each other externally, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो क्या होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इसके इक्वल है सम ऑफ देयर रेडियस, दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। देखिए C1, C2, इन दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर है, दैट इज C1, C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अब यहाँ कितनी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी, एक कॉमन टेंजेंट तो ये आ गए, दूसरी है जैसे कि दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनके एक ही तरफ है, इसके एक ही तरफ है दोनों सर्कल्स और इसके भी एक ही तरफ है दोनों सर्कल्स या दोनों सेंटर्स, और एक यहाँ मिलेगा कॉमन पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट पी है तो इस पे एक टेंजेंट मिलेगी, ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे हमें मिलती है थ्री कॉमन टेंजेंट्स इस केस में, जिसमें से टू होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड वन होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ऐसा कब है, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं उस केस में हमें थ्री कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगी, आउट ऑफ दैट टू विल बी डायरेक्ट एंड वन विल बी ट्रांसवर्स। कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट पे देखें, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो सर्कल्स एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो उस केस में ऑब्जर्व करते हैं कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, देखिए इस तरह से टू सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी और क्यू, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ रेडियस से कम हो गई, लेकिन सम डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा होगी, इस बात को भी ध्यान रखें, आर वन माइनस आर टू हो या आर टू माइनस आर वन हो उनके मॉड से ज्यादा हो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, उस केस में हमें कितने टेंजेंट मिलेंगे, केवल टू टेंजेंट्स, ये देखिए वन इधर और एक इधर, और दोनों ही कैसी होंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, विल गेट टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। केवल दो टेंजेंट्स होंगी और वो दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे, देख लीजिए पॉइंट को, कोई डाउट है तो बताइए। फोर्थ पॉइंट, व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करें, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, इस तरह सिचुएशन है, यहां सेंटर्स C1 C2, ये है रेडियस R1 और ये है R2, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, C1 C2 is equal to R1 minus R2, जो भी R1 R2 में ग्रेटर है उससे, जो आपने अपने अकॉर्डिंग लिया है, तो यहां सर्कल्स एक दूसरे को टच कब कर रहे होंगे, इंटरनली, जब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी। अब यहां कितनी टेंजेंट आएंगी, इस कॉमन पॉइंट पर केवल एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, ओनली वन कॉमन टेंजेंट, और ये कौन सी कॉमन टेंजेंट होगी बताइए, डायरेक्ट होगी या ट्रांसवर्स होगी, डायरेक्ट 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 कॉमन टेंजेंट, क्यों डायरेक्ट, दोनों सेंटर एक ही तरफ है, दोनों सेंटर एक ही तरफ, सही है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और एक ही टेंजेंट आएगी, तो स्टार्टिंग हमने की फोर कॉमन टेंजेंट, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन और लास्ट जीरो, तो केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि दो सर्कल्स कहां पर हैं, किस पोजीशंस पे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उनके बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट है, इफ व्हेन वन सर्कल लाइज completely inside other, completely inside other without having any common point, मतलब touch भी नहीं कर रहा है, without having any common point, मतलब ऐसे आ जाए एक सर्कल और उसके अंदर दूसरा सर्कल हो, कॉन्सेंट्रिक होना जरूरी नहीं, कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, दोनों के सेंटर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, इस केस में C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से भी कम है, जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है, अगर बराबर हो गया तो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, इस केस में हमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं मिलती, नो कॉमन टेंजेंट, एक भी कॉमन टेंजेंट इसमें नहीं आएगी, there is no scope of any common tangent,
नोट कर लें सभी पॉइंट्स, किसी को भी कोई डाउट है इसमें, कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, दो सर्कल्स पर कॉमन टेंजेंट्स और उन्हें क्या कहते हैं, किस तरीके से होंगी, किस केस में किस पोजीशन में कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी, ये हमने इसमें पढ़ा। एक और आर्टिकल है सर्कल में, वो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लें इसको और उसके बाद देखेंगे एक और पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सभी जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो रहा हो उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लीजिए, इफ ऑल द फोर वर्टाइसेस, If all the four vertices of a quadrilateral, if all the four vertices of a quadrilateral lie on a circle, अगर सभी four vertices एक quadrilateral के किस पर हों, एक circle के ऊपर हों, then it is called cyclic quadrilateral. तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ ऑल द फोर वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल, सभी फोर वर्टाइसेस अगर एक सर्कल की ठीक है जो है ऊपर हो तो दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टाइसेस अगर इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं देन इट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट माय फर्स्ट पॉइंट, the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। मतलब opposite angles का सम क्या होता है, 180 degree। A और C इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंड बी एंड डी अगर दो का सम 180 हुआ तो रिमेनिंग टू का भी 180 होगा, टोटल 360 होता है। तो यही है फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई प्रॉब्लम है, प्रूफ की जरूरत है इसके, सेंटर से मिल जाए आसानी से। सेकेंड लिखेंगे द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, the interior opposite angle is equal to the interior opposite angle। the exterior angle of a cyclic quadrilateral बनाकर देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। एक cyclic quadrilateral है, यह है cyclic quadrilateral, इसको मैं कह देता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ ए बी को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इसी को कहा गया एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये भी थीटा होगा।
एंगल, या मैं इसको पी कर देता हूँ, तो एंगल सी डी पी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ऐसा क्यों है? ये अगर थीटा है तो ये क्या हुआ, 180 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि बी प्लस डी 180 होता है, ये 180 माइनस थीटा हुआ। और अगर ये 180 माइनस थीटा हुआ तो ये पूरा एक लाइन पेयर है, तो पूरा एंगल क्या होगा 180, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। बहुत ही आसान है पॉइंट, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चंस करते हैं सर्कल पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Where R is greater than 7, R की वैल्यू क्या है 7 से बड़ी। बोले साहब अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर touches the smaller circle find the value of r r की वैल्यू कैलकुलेट करें। करें इसको सॉल्व सभी लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और दूसरे की आर है, आर 7 से ग्रेटर है। अब क्या कहा गया, जो लार्जर सर्कल है उसकी कॉर्ड एक है जिसकी लेंथ 46 सेंटीमीटर थी, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही, तो हमें ये जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस मतलब आर कैलकुलेट करनी है। ध्यान से कैलकुलेट करें सभी लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कोशिश करें आप। सिद्धांत वापस कैलकुलेशन चेक करो, 24 नहीं आ रहा है बेटा आंसर। सर 17 रूट टू, संस्कार 17 रूट टू सही है। ये आएगा आंसर। डायग्राम पहले बना लें और फिर उससे ऑब्जर्व करिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, अब जो लार्जर सर्कल है उसकी एक कॉर्ड स्मॉलर को टच कर रहे हैं, माने ये कॉर्ड है ए बी, यहाँ किसी पॉइंट पी पे टच कर रहे हैं। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इसके सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक है दोनों के सेंटर सेम है ओ से, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये टच कर रहे हैं, ये लेंथ इसकी रेडियस दी हुई 7, ये टोटल ए बी है 46, तो ये ए पी कितना होगा 23 होगा, ये PB भी 23 होगा, ये OA जो है यही जो है R है लार्जर सर्कल की रेडियस, तो R स्क्वायर बराबर क्या है 7 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, पाइथागोरस मतलब 7 स्क्वायर 49 प्लस ये कितना हुआ 529, 23 स्क्वायर कितना होता है 529, तो R बराबर कितना आ गया रूट ओवर 578, 578 is 289 into 2, that is 17 root 2. तो आंसर 17 root 2 लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर में है तो आंसर है सेंटीमीटर।
नोट कर लीजिए और देखें किसी स्टेप में कोई डाउट है किसी को। फर्स्ट क्वेश्चन में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए थे, सेंटर सेम हो गए। जो लार्जर सर्कल है उसकी एक कॉर्ड इस फर्स्ट स्मॉलर सर्कल को टच करे, जैसे यहाँ ए बी टच करे, इसकी लेंथ दी हुई थी 46, तो उसके हाफ की लेंथ हो गए 23। स्मॉल सर्कल की रेडियस दी है 7। पाइथागोरस थ्योरम लगा और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डायग्राम दिया हुआ है। ये है ओ ए, ये दिया हुआ है बी डी ओ डी, ये ए डी और ये पॉइंट है ई। बना ले इस डायग्राम को। उसके बाद लिखा है इन गिवन फिगर, ठीक है, इस फिगर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस क्या है, 13 और 8 है। ए बी इस डायमीटर, यहां जो डायग्राम में है ए बी है वो डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है आप लार्जर सर्कल। ठीक है, एंड बी डी इज टेंजेंट, जैसे यहाँ डायग्राम में बी डी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल टचिंग एट डी। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, फाइंड लेंथ ऑफ ए डी, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ए डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है दोनों सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये बी डी जो है डी पर टेंजेंट आ रही, इसमें ए डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ए ई यस सॉरी ए डी की लेंथ करें जल्दी से कैलकुलेशन। आज तो बता रहा है 19 आंसर आएगा। वापस भाई 16 तो ए ई आएगा, ए ई नहीं चाहिए, ए डी चाहिए। ठीक है, बनाइए जल्दी से ए डी। ए डी लेंथ कैलकुलेट करें 19 ये आना चाहिए। ओ डी ये देखिए ये डैम रेडियस कितनी है 8, ये कितना है 13। डायग्राम में ये लिख लेते हैं, ये 8 है, ये 13, ये 13। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल OBD में पाइथागोरस लग रहे, इन ट्रायंगल OBD, BD बराबर क्या होगा,
रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 64 105। और यही बी डी और डी दोनों सेम है क्योंकि मिड पॉइंट पे आया, तो बी डी यही बराबर डी है। ये तो रूट 105 आया, तो ये डी ई भी रूट 105 होगा, होगा। अब ये एक बिगर ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में ए बी कितना हो गया 26, बी ई कितना हो गया 2 root 105। ये ए बी ई की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, ए बी ई, ठीक है। तो यहां से ए ई कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल? क्योंकि ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, ए बी डायमीटर है, तो एंगल ए ई बी 90 डिग्री होगा। तो यहां फिर से पाइथागोरस लगाए तो ए ई बराबर रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर 2 root 105 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 105 इंटू 4 420, आ गया 256 का रूट हुआ 16। तो ए आ गया आपके पास 16 और डी ई आ गया है रूट 105। तो इस ट्रायंगल ए डी ई में भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ए डी मिल जाएगा इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी बराबर रूट ओवर 16 स्क्वायर प्लस रूट 105 का स्क्वायर 105, तो 256 प्लस 105, 256 प्लस 105 कितना हो गया 361, और 361 का रूट क्या होता है 19, तो ये आ गया 19 सेंटीमीटर। देख लीजिए सॉल्यूशन, और कोई डाउट है इसमें बताएं। देखिए सॉल्यूशन सभी लोग ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो बताइए किसी भी पॉइंट में, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगली क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे।